दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। खबरें इधर लगातार आ रही हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यानी मोदी सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसमें और कुछ मंत्री शामिल किए जाएंगे। 2019 के बाद यानी दूसरी जो पारी है प्रधानमंत्री की, उसमें कैबिनेट एक्सपेंशन की बात कई बार आई लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बहुत सारे लोगों को उत्तर प्रदेश से एकोमोडेट करना है, जो नाराज़ हैं उनको भी, और जिनकी उपयोगिता या ज़रूरत समझी जा रही है उनको भी। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, वो कब का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ज्योतिराज सिंधिया के बारे में कहा जाता है। तो इस तरह से कैबिनेट एक्सपेंशन की जो बात है वो चल रही है, और जुलाई में चूंकि पार्लियामेंट का मानसून सत्र शुरू होना है, तो माना यह जा रहा है कि जुलाई से पहले यानी जून के अंत या जुलाई के शुरू में जरूर हो जाएगा। ज़्यादा आशा जताई जा रही है कि जून में होगा। अब कैबिनेट एक्सपेंशन की खबर से अगर किसी पार्टी दुर्घटना का शिकार हो जाए, राजनीतिक दुर्घटना का, तो इसे क्या कहेंगे आप। लेकिन बिहार में एक पार्टी जो काफ़ी सक्रिय है बिहार के स्तर पर, वहीं उसका थोड़ा बहुत जनाधार भी है, लेकिन जो केंद्रीय स्तर पर एनडीए का पार्टनर है, मैं बात कर रहा हूँ रामविलास पासवान जी, जो दिवंगत नेता रामविलास पासवान, उनकी जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है वो राजनीतिक दुर्घटना का शिकार हो गई। अब आप कहेंगे कि कैसे। असल में सारी की सारी जो चाचा भतीजे की लड़ाई है, चाचा यानी पशुपतिनाथ पारस जो रामविलास पासवान जी के छोटे भाई, और जो उनके बेटे पासवान जी के हैं चिराग पासवान, इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया। अब ये कोल्ड वार भी नहीं, पूरी तरह एक तरह से लड़ाई है कि भाई पार्टी किसकी रहेगी। क्योंकि मसला ये है कि जो एमपीज हैं, 6 MPs हैं टोटल लोक जनशक्ति पार्टी के, उनमें जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनको लगा कि भाई रामविलास पासवान जी की जो जगह खाली हुई है कैबिनेट में, अगर कोई एकोमोडेट किया गया कैबिनेट में जिसको जगह मिली, तो वो पार्टी की जो बहुमत राय है उसके अनुकूल मिलनी चाहिए। पशुपतिनाथ पारस ने ये जो बात समझी और अन्य अपने कुछ साथियों को समझाई, जो चिराग पासवान के एक तरह का जो एपोलिटिकल किस्म का, बिल्कुल और राजनीतिक किस्म का जो बिहेवियर है उनका, तो उससे जो नाराज लोग थे, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बड़े बुजुर्ग थे, बड़े सीनियर थे पार्टी में, लेकिन उनको लगता था कि ये पार्टी के राजकुमार हैं और राजकुमार की तरह बिहेव करते हैं, तो उनसे नाराज लोगों को उन्होंने पटा लिया, और पटा करके 6 में से 5 MPs अपने साथ कर लिए। यानी सिर्फ चिराग पासवान बचे अपनी पार्टी के नाम पर, यानी अपने पिता की पार्टी के नाम पर 5 जो है चचा के साथ आ गए। और तो और एक और जो चचा उनके थे जिनका निधन हो चुका है, रामचंद्र पासवान, उनके जो बेटे प्रिंस पासवान हैं वो भी बाई चांस लोकसभा के सदस्य हैं, वो भी आ गए पशुपतिनाथ पारस जी के साथ। बहुत सारे और जो रामविलास पासवान जी के निकटस्थ लोग थे वे भी चले आए। अब ये पूरा का पूरा माजरा बदल गया, सिनारियो पूरा का पूरा बदल गया लोक जनशक्ति पार्टी की। अब सवाल इस बात का है कि क्या होगा, क्योंकि चिराग पासवान अपने आप को नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, उनका अपने को हनुमान कहते हैं। बिहार में जब चुनाव विधानसभा का लड़ा जा रहा था, उन्होंने कई बार कहा कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं, भले मैं इस अलायंस में नहीं हूं लेकिन मैं उनका हनुमान हूं। माना यह जा रहा था पूरी की पूरी जो असेंबली इलेक्शन की जो पूरी पॉलिटिक्स थी, कि उनको नीतीश कुमार को कमज़ोर, यानी नीतीश कुमार की पार्टी को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, उनको अलग से चुनाव लड़ाने के पीछे मकसद यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स को हरा सकें और भारतीय जनता पार्टी और JDU का गठबंधन जारी रहे, ताकि RJD को हराया जा सके, RJD और कांग्रेस अलायंस को। और ऐसे में बीजेपी का इरादा था कि वो JDU से बड़ी पार्टी बन जाए और मजबूर कर दे कि चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। लेकिन
बीजेपी को इसमें आधी सफलता मिली, लेकिन चिराग पासवान ने बहुत मदद की बीजेपी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनेक जगहों पर जेडीयू के उम्मीदवार चिराग पासवान की वजह से हारे। चिराग पासवान अगर आरजेडी और कांग्रेस अलायंस के साथ गए होते तो निसंदेह आरजेडी और कांग्रेस की सरकार भी बन जाती। लेकिन जो नीतीश कुमार को कमजोर करने के काम आए चिराग पासवान, उससे बीजेपी में उनको गुडविल जरूर मिली, लेकिन वो ओपन यानी दिखाई नहीं पड़ी, वो अभी तक नहीं दिखाई पड़ी। वरना उनको तो ऑलरेडी लोकसभा के सदस्य थे, किसी दिन कैबिनेट मंत्री उनको बना दिया जाता, राज्य मंत्री बना दिया जाता, लेकिन उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ। इसके बावजूद कि उनके पिता का निधन काफ़ी पहले हो गया था, इलेक्शन से पहले हो गया था, और भी बहुत सारी सीटें खाली हुई थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई पशुपेंज में फंसी थी कि किसको लिया जाए? क्योंकि पार्टी के अंदर दबाव, जो दूसरा ग्रुप है जो रामविलास पासवान की मौत के बाद काफ़ी सक्रिय हो गया था कि हम हरगिज उनके बेटे के नाम पर इस पूरी पार्टी को नहीं जाने देंगे, बल्कि हम इसको जोड़े रखेंगे और लोगों के साथ, तो क्या इस कॉन्ट्रडिक्शन में, इस झगड़े में बीजेपी स्वयं भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई, असमंजस में फंस गई, पशुपंज में फंस गई? असल कहानी आज यही है कि लोक जनशक्ति पार्टी का होगा क्या। देखिए साहब, अगर जाति के नाम पर पार्टी बनती है तो वो जाति तक नहीं टिकती, फिर वो परिवार तक जाती है, परिवार तक जब जाती है तो फिर वो एक यूनिट यानी सिंह परिवार अगर ज्वाइंट है तो उसमें भी सिर्फ एक आदमी के परिवार तक सीमित हो जाती है। अब आप उदाहरण देख लीजिए, एक उदाहरण नहीं है इसके हमारे 30-40 सालों में भारत में परिवारों के आधार पर जो पार्टियां बनी हैं उनका क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, कहीं भी आप झांकिए, अभी भी मुलायम सिंह के भाई किसी और जगह हैं, उनकी कोई और पार्टी है, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव अलग समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए हैं। आगे भविष्य में क्या होगा, आरजेडी के बारे में भी कोई नहीं जानता भविष्य क्या होगा, खींचतान चलती रहती है परिवार के अंदर ही। तो जाति के नाम पर जब पार्टी बनती है तो अल्टीमेटली वो परिवार केंद्रित पार्टी हो जाती है, और परिवार में भी वो व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो जाती है। रामविलास पासवान जी के तीन भाई यानी रामविलास जी, रामचंद्र जी और पशुपति, तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। कभी कोई अगर बिहार में है तो वहाँ कैबिनेट मंत्री हो जाता था, कोई और काम नहीं करता था, कोई और मतलब पेशा कोई और नहीं एडॉप्ट करता था, वो सिर्फ सियासत में आते थे, सिर्फ राजनीति में आते थे। कमाल की खेती है राजनीति, जिसमें एक परिवार अगर अपनी बिरादरी का पूरा सपोर्ट प्राप्त कर जाता है, क्योंकि पार्टियां बिहार जैसे इलाके में, उत्तर प्रदेश में भी बल्कि होता यह है कि अगर कोई पार्टी ऐसी है जो जाति आधारित है तो पार्टियों के नेता बड़े चालाक हैं, वो अपनी जात के लिए भी कुछ नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में परिवार केवल होता है, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट केवल होता है। लेकिन जातियां जो हैं, जातियों को ये नेता अपने एक आधार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और इनका जो आधार है अपने नेता को अपने झंडे की तरह इस्तेमाल करता है, जातियों का झंडा बन जाता है एक कोई नेता, और उस नेता के एक तरह से इस्तेमाल में आने वाला आधार बन जाती हैं सारी की सारी जातियां। आमतौर पे ये उत्पीड़ित जातियां रही हैं, ये वंचित समाज रहा है, लेकिन इनके दिमागों में अभी तक ये बात नहीं आई कि जब तक आप जमात नहीं बनाते तब तक जात से कुछ नहीं होगा। जाति एक हकीकत नहीं है, जाति वास्तविकता हकीकत इन अर्थों में है कि वो उत्पीड़न का आधार जाति के आधार पर भी होती है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर उसकी मुक्ति का जो रास्ता है वो जाति नहीं हो सकता जब तक कि वो जमात ना बने। जमात का मतलब समाज, जमात का मतलब संगठन, जमात का मतलब समूह। तो ये जो स्थिति है लोक जनशक्ति पार्टी के साथ भी आ गई, भाई और भतीजा आमने सामने हैं। बिहार में बहुत सारा खेल हो रहा है, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो लोक जनशक्ति पार्टी में जो 5 सांसदों का ग्रुप खड़ा हुआ है पशुपतिनाथ पारस के पीछे, कहीं ना कहीं इसको पर्दे के पीछे से जेडीयू के ताकतवर नेताओं का समर्थन है। अब जेडीयू और बीजेपी, जिस बीजेपी ने समझा था कि विधानसभा के बाद नीतीश इतने कमजोर हो जाएंगे कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो जाएगा, उसको नीतीश ने यह समझा दिया
की राजनीति में, खासकर बिहार की राजनीति में उनका अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वो मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने उनको शिरोधार्य किया, उनको उसे ग्रहण करना ही पड़ा, एक्सेप्ट करना ही पड़ा और आज भी नेतृत्व नीतीश कुमार का है, अनचैलेंज्ड है एनडीए में। तो अब देखना यह है कि अगर पशुपतिनाथ पारस की अगुवाई वाले ग्रुप को कहीं से भी कोई संकेत है केंद्रीय स्तर पर किसी अन्य पार्टी का, तो क्या वो नीतीश कुमार को नाराज करना चाहेगा वो ग्रुप, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जिस चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी जी और शाह जी की पार्टी जो बीजेपी आज है, उसकी जो इतनी मदद की विधानसभा के चुनाव में और जो बार बार कहा कि वो मोदी जी के हनुमान है, तो क्या इस हनुमान पर कोई दया नहीं करेंगे करुणा निधान? क्योंकि संसद में 5 लोगों के ग्रुप को एक्सेप्ट किया जा चुका है संसदीय दल के रूप में, जिसके नेता पशुपतिनाथ पारस हैं। अब कैबिनेट में कौन जाएगा बड़ा क्लियर है, जिसके पास ज़्यादा लोग होंगे उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन ये जो एक तरह से अधिकार है वो प्रधानमंत्री का है, इसमें कोई बहुमत किसी पार्टी का काम नहीं आएगा। प्रधानमंत्री जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे उसको मंत्री बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी का जो पूरा का पूरा किस्सा है, अब देखना है कि आगे क्या होता है। और आपको बताना मैं जरूर वाजिब समझूंगा कि 2005 में ऐसी ही एक स्प्लिट हुई थी, 29 MLA हुआ करते थे उन दिनों लोक जनशक्ति पार्टी के, जिसमें से 21 विधायक रामविलास पासवान जी के रहते हुए भी 21 विधायक JDU में चले गए थे नीतीश कुमार जी के साथ, और लोक जनशक्ति पार्टी तब से तबाह हो गई थी। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि कोई भी पार्टी, खासकर हिंदी हार्टलैंड के लोगों को जरूर सोचना पड़ेगा कि जाति के आधार पर पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, वो फिर परिवार, परिवार में भी एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के इर्द गिर्द वो सिमट के रह जाती हैं पार्टियां, ये इसके असंख्य उदाहरण हैं। इसलिए इन पार्टियों को समर्थन देने वाले लोगों को जरूर सोचना पड़ेगा कि आखिर राजनीति का क्या मतलब है, एम्पावरमेंट का क्या मतलब है, मुक्ति का क्या मतलब है, वंचित समाज को वास्तविक जो न्याय दिलाने का क्या मतलब है और उसका रास्ता क्या है। तो आज लोक जनशक्ति पार्टी के हवाले इतनी ही सी बात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.